दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारत में अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की प्री सेल का ऑफर दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस बात की जांच शुरू कर दी है कि क्या इससे देश के मौजूदा टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। आपको बता दें कि अगर स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी जाती है तो भारत के टेलीकॉम बिजनेस में तहलका मचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि स्टारलिंक की बीटा सर्विसेज से कहीं इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, देश की सेटकॉम पॉलिसी 2000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर यह साबित हो जाता है कि स्टारलिंक के ऑफर से किसी भी मौजूदा टेलीकॉम नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है तो स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर सकता है और इससे भारत के पूरे टेलीकॉम जगत में तहलका मचने की उम्मीद है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एक अधिकारी ने कहा है कि ऐसा लगता है कि स्टारलिंक का ऑफर इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885 की धारा 4 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि स्टारलिंक को अभी देश में टेलीग्राफ पर काम करना है। कानून के तहत टेलीग्राफ का मतलब किसी अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट या वायर अथवा अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस के जरिए सिग्नल, इमेज, डेटा, साउंड्स इंटेलिजेंस के ट्रांसमिशन में काम आने वाले ऑपरेटर्स हैं। परंतु अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को इस पर अंतिम फैसला करना है। बता दें कि ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम ने हाल ही में सरकार से स्पेसएक्स को अपने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के बीटा वर्जन की प्री सेलिंग रोकने को कहा था। ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का कहना है कि अमेरिकी सैटेलाइट ऑपरेटर के पास इसके लिए उचित लाइसेंस या ऑथराइजेशन नहीं है। आपको बता दें कि ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम भारतीय एयरटेल और यूके सरकार के सैटेलाइट वेंचर वनवेब, अमेजॉन, ह्यूजस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। जानकारी के लिए बता दें कि स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए बीटा वर्जन की प्री बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी इसके लिए $99 रकम ले रही है, जो पूरी तरह रिफंडेबल है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की नजर भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री पर है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के लिए 1000 से भी अधिक सैटेलाइट्स छोड़े हैं। कंपनी अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में धड़ाधड़ ग्राहकों को साइन करने में लगी है। स्टारलिंक ने कहा है कि कंपनी की नजर इन फ्लाइट इंटरनेट, मैरीटाइम सर्विसेज, भारत और चीन में डिमांड और रूरल कस्टमर्स पर है। यह पूरा बाजार $1 ट्रिलियन का है। आपको बता दें कि अगर स्टारलिंक भारत में एंट्री करती है तो यहाँ इसे मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो से कड़ा मुकाबला करना होगा, जो कि 5G लॉन्च की तैयारी में है। जियो 4G रोल आउट में भारत के इंटरनेट क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुआ है। कंपनी ने किफायती दर पर इंटरनेट मुहैया करवाया है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा उपयोग को बढ़ावा मिला है। अगर स्टारलिंक को अपनी सेवाएं भारत में शुरू करने की अनुमति मिल जाती है तो कंपनी की टक्कर भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो से होगी। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।